हिप हुर्रे। बचपन है बीत गया, कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ मिलकर एक रंग बनाती है, उस रंग में रंग के हम सब एक रंग हो जाते हैं। हिम्मत ऐसी कि आसमां छू जाते हैं। हिप हिप हुर्रे, आज हमारा कल अपना, घर पे मैं अपनी जीन्स ट्राई कर रही थी तभी पापा अंदर आ गए। अबे वो क्या कहती है कि लोग उन्हें तुम्हारी बड़ी बहन समझते हैं। फिरे नहीं, फिरे पापा। मैं मजर के साथ एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने गई, बट आई गॉट सो स्केयर्ड, वहाँ से भाग आई। विनी सर ने समझाया, देखो कभी कभी जवाब के साथ ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है और उसके लिए तुम्हें दूसरों के अलावा खुद पर भी भरोसा होना चाहिए। दूसरी बार आई ओपन्ड अप, मन में जो था कह डाला। मुझे अपनी बेटी समझने में उन्हें शर्म आती है। It felt like a dam burst open. डॉक्टर से मिलने पर हल्का लगने लगा। And now I started feeling really positive about myself. And I'm ready to face anything. आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि आपके सारे यूनिट टेस्ट के मार्क्स मिला के फाइनल्स के 25% मार्क्स होंगे। वो तो ठीक है मैम, किरण, लेकिन होली के ठीक पहले यूनिट टेस्ट? नॉट लाइक दैट। मैं यूनिट टेस्ट अभी देना चाहती थी ताकि आप सब लोग होली अच्छी तरह से मना सके। मैम क्या इस साल भी होली पिछले साल की तरह ही होगी? बिल्कुल होगी, बल्कि इस साल तो उससे भी अच्छी होगी। क्यों मैम, इस बार कोई खास बात है? हाँ खास बात तो है ही। मैम हमें भी बताइए ना क्या खास बात है। Hey, let me guess. मैम इस साल कोई स्पेशल है? कोई नहीं, कुछ तो स्पेशल है। हाँ हम तो यही सोच रहे थे, इनफैक्ट हम इसी बारे में बातें कर रहे थे, राइट जॉन? राइट। और होना भी तो चाहिए ना, हर साल की होली में कुछ नई बात हो तो होली का तो मजा ही और है, राइट? क्या राइट? तुझे पता भी हम किस बारे में बात कर रहे हैं? स्पेशल का मतलब सिर्फ स्पेशल डिनर से ही नहीं होता है, डम्बो। वेल मेरा कहने का मतलब ये था कि इस साल अगर होली में कुछ स्पेशल है तो वो आप लोग हैं। पर मैम हम तो पिछले साल भी थे। लेकिन अगले साल तो नहीं रहोगे ना, ये जनोबली में आप लोगों की आखिरी होली है। देखा आप लोगों को याद नहीं रहा, लेकिन मुझे तो याद है। मैडम आपके लिए अर्जेंट फोन आया। आई बी राइट बैक, ट्राई नॉट टू मेक टू मच नॉइज। वेल जॉन, मुझे तो लगता है कि तेरे विशाल का फोन है। विशाल होगा तेरा, मेरा तो वो क्या कहते हैं यार, सौत का मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मौत, मेरा मौत है वो। गाइस, आई थिंक वी शुड बी ऑल अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि आफ्टर ऑल कल होली उसी के तो घर खेलने जा रहे हैं। और मुझे लगता है इट इज वेरी अर्ली फॉर सम बैड वाइब्स। गद्दार एंड यू टू, टेक इट इजी जॉन, अपने आप पे काबू रखो, क्योंकि कल आएगा असली मजा। अच्छा। जब एक साइड पर रहेगा विशाल और दूसरे साइड पे अपना जॉन। और एक्सक्यूज मी, बीच में इस ट्राइंगल की अकेली कोने पे खड़ी उदास परेशान अलकनंदा वर्मा, अपने दिल की किससे कहे? इतने सारे सुख और इतने सारे बॉयफ्रेंड्स कैसे सहे? आपके शहर में पहली बार अ स्पेशल समथिंग ऑन होली डे स्टारिंग धर्म जी, और फिल्म का नाम होगा मोहब्बत की पुकार। अरे हट बुद्धू, फोन पर कोई प्रपोज करता है? वही सारिस। बिल्कुल नहीं, प्रपोज करना तो मुझसे सीखे। मैं ऐसे प्रपोज करूंगा, पहले तो मैं दो फर्स्ट क्लास टिकट्स खरीदूंगा। वहां पर एक कॉटेज होगा, कॉटेज में मैं एक कैंडल लाइट डिनर लाइट करूंगा और फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर कहूंगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। Very good, very good.
हाँ तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? मैम हम होली पार्टी डिस्कस कर रहे थे। रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट ऑन फैराडेज लॉज जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके लिए एक काम करते हैं, आज की क्लास बस यहीं पे खत्म करते हैं। आई सी यू टुमारो। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। यू आर एब्सोल्युटली ओके, यू आर ओनली सफरिंग फ्रॉम एन ईटिंग डिसऑर्डर। देखो तुमने मुझे अपने बारे में जो कुछ भी बताया उससे लगता है यू आर सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया एंड इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन अमंग यंग वुमेन एंड टीनेजर्स। यू हैव टू स्टॉप अब्यूसिंग योर बॉडी। किरण ये जो तुम्हारा डिजीज है एनोरेक्सिया ये तुम्हारे मम्मी के साथ जो रिलेशनशिप है इसके साथ लिंक्ड है। बट तुमने कभी सोचा कि शायद शायद ही तुम अपनी मम्मी को मिसअंडरस्टैंड कर रही हो? किरण हर इंसान की कोई ना कोई इनसिक्योरिटी तो होती है, तुम्हारी मम्मी भी इंसान है, औरत है वो। हो सकता है कि तुम्हारे पापा के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारे साथ या तुम्हारी मम्मी के साथ बिताए। किरण शी मस्ट बी फीलिंग वेरी लोनली। सोचो उनको कितना लोनली लगता होगा ताकि वो अपने लुक्स पे इतना ध्यान देती है। थिंक अबाउट इट। देखो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे लेकिन तुम्हें बस 3-4 महीने चाहिए एंड यू हैव टू सी मी मोर ऑफन। हेलो। जी थैंक यू सो मच। किसका फोन था? किसी डॉक्टर छाबरिया का था। शी इज अ साइकियाट्रिस्ट। किरण ने उन्हें कंसल्ट किया था। तो उनका कहना है कि किरण इज एनोरेक्सिक। ये तो अच्छा हुआ कि अब पता चला, वरना शायद हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता। ओह गॉड अनिकेत, व्हाट डिड वी गो रॉन्ग? अरे हेलो बेटे आओ। हेलो अंकल। हेलो अंकल। हेलो आंटी। हेलो। पापा मैं डॉक्टर के पास गई थी। हम जानते हैं बेटे। अंकल हम चलते हैं अभी देर हो रही है। अरे क्यों? मदर यू विल ड्रॉप मी ना? या ऑफ कोर्स। देखो नहीं थोड़ी देर बैठ के जाओ बेटा। आंटी और कभी पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं। ओके ठीक है। वेलकम अगेन बेटा। थैंक्स अ लॉट। Thanks, Mazi. Hey, uncle. It's okay. We'll bye, Kiran. Now. I'll see you at school tomorrow. No, auntie. Phir aana. Bye, Kiran. Bye. Bye, auntie. मुझे पता है कि मैं पागल नहीं हूं, मैं ये भी जानती हूँ कि अभी तक नहा रहा होगा, नाच रहा होगा, आज तो होली है। अरे हमें अलकनंदा मैडम के घर जाना है, कोई मजाक थोड़ी है ये। अच्छा भैया जॉन के स्वागत की तैयारी हो चुकी है? जॉन हरी अप कम आउट। कमिंग वन मिनट। जॉन कहाँ रह गया? हमेशा मैं लेट कराता है यार। रियली? गॉड यार यू गाइस ना ऑलवेज रश मी। जॉन डू दिस, जॉन डू दैट। आई टू गेट रेडी, आई एम ट्राइंग टू लुक नाइस एंड यू ऑलवेज डू दिस टू मी, यू नो, ऑल थ्रू दिस। क्या आप शिकागो कन्वेंशन के लिए जा रहे हैं? Hey John, आज होली है, if you have forgotten. And don't you think a slightly overfair? George is jealous, huh? क्योंकि मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ। अलकनंदा मैडम के यहाँ पहली बार जा रहा हूँ। आप लोग neat and tidy ना? ऐसे ऐसे लग रहा हूँ मैं। Guys. I think John has a valid point. Very good. Of course, अब आज के दिन John तैयार नहीं होगा, तो फिर कब तैयार होगा? Exactly. Handsome boy, very handsome. बात में दम है, right guys?
Very nice. You're looking very smart, John. Happy Holi. Take my hand. It's happy Buranamano Holi. Very so, nice. So, attack! आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। I completely agree. मैं नवयत सुबह से कह रहा हूँ कि ये बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन इन्होंने मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं। जॉन, आई थिंक इट्स योर लकी डे मैन। आई थिंक आई जस्ट गो प्ले डांस। आई थिंक वी ऑल शुड। आई थिंक ही रियली लव्स मी। ही इज रियली स्वीट। तुम? आई थिंक आई एम आल्सो रियली स्वीट। तुम्हें क्या लगता है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ
या तो मुझसे शादी करोगे? विशाल, मैं माँ बनने वाली हूँ। I'm pregnant. मुझे कल ही पता चला। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं। आज होली का दिन है, सोचा सही दिन है हमारे जीवन के एक नए रंग के बारे में जानने का, कैसे पहलू से सामना करने का जो कभी सवाल की तरह खड़ा नहीं हुआ। कि सवाल जवाब मांगता है विशाल। ये सब अचानक एकदम मेरे लिए भी ये सब अचानक एकदम ही हुआ है। I want to know what you think. You know I love you very much. वो तो तुम पहले भी कह चुके हो विशाल। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि शादी के बारे में मेरे क्या ख्याल हैं। तब बात और थी, अब बात और है। तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ अभी इसी वक्त यहाँ पर डिसाइड करूँ? फैसला तुम्हें नहीं मुझे करना है। मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम नहीं। कोई उपाय निकाल लेंगे हम। We can solve this problem. Dare you call our baby a problem? वैसे भी हमने ये प्लान नहीं किया था। तुम भूल क्यों रहे हो कि ये हम दोनों का है? मैं शॉपिंग करके इसे खरीद कर नहीं लाई हूँ। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ? Anyway, मुझे नहीं लगता कि ये सही जगह है। हाँ, तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए ना, मिल जाएगा। But I know what I'm going to do, and I know what I want.